कर लूं उठ पीले हुए दिल की बात हम जागती रहेंगे ओ कितनी रात हम पीले हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे ओ कितनी रात हम मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है। श्री हेमंत कुमार जी का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है, 100 साल उन्हें हुए, हम सब उनके फैन हैं। खुशी की बात यह है कि कल ही उनके सुपुत्र बाबू और बाबू की सुपुत्री हमसे मिलने आए थे और सागनिक जी ने भी मुझे कहा कि एक वीडियो बना के भेजा जाए, लीजिए। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। हेमंदा की आवाज ऐसा लगता था जैसे 100 वायलिन एक साथ बज रहे, 100 पीस ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, वहां भी उनकी आवाज भारी पड़ जाती थी। इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े सिंगर, इतने बड़े कंपोजर, उनको मैं नमन करता हूं और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमने उनके दर्शन किए हैं, उनके साथ स्टेज शोज किए हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। बहुत बहुत मुबारक ये 100 साल। দিনে একলা ঘরে থাকে না তোমন, কাছে যাবো কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তোমন, কাছে যাবো কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ। না তুম হামে জানো না হম তুমি জানে, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। नमस्कार, मैं हूँ शिखा विश्वास कोरा। 16 जून 1920 को वाराणसी में एक ऐसे महान शख्सियत का जन्म हुआ जो आगे चलकर अपने प्रांत बंगाल का गौरव बने और सारे देश यानी सारे हिंदुस्तान के चहेता गायक संगीतकार और निर्माता साबित हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमंत कुमार मुखोपाध्याय की, जिनको हम प्यार से हेमंत कुमार या हेमंता करके पुकारते हैं। रविंद्र संगीत के गायक के हैसियत से शुरू करते हुए ये आगे बढ़ते चले गए और एक दिन बंगाली फिल्म जगत और हिंदी फिल्मों के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना नाम कमाया, अपनी पहचान बनाई। उत्तम कुमार की पार्श्व आवाज की तरह भी वो जाने जाते हैं। मेरे पिता अनिल विश्वास के साथ हेमंदा ने काफी काम किया, फिल्म जलती निशानी, हीर जैसी फिल्मों में, और बाबा हमेशा हेमंदा की बहुत तारीफ किया करते थे। कहते थे कि ऐसे सीधे सादे, ईमानदार और दिव्य शख्सियत के इंसान संसार में बहुत कम पाए जाते हैं। यही दिव्यता उनकी आवाज में भी जा बसी। यूं ही नहीं, उनकी आवाज की गहराई
और दिव्यता के लिए कई दिग्गज संगीतज्ञ ने कहा है कि अगर ईश्वर की कोई आवाज होगी तो वास्तव में हेमंत कुमार जैसी। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। एक जमाना आया कि देश देश के कोने कोने में उनके नगमे गूंजते रहे, मगर आज वो आवाज खामोश हो गई है। मगर उस आवाज की गूंज जा बसी है एक नौजवान कलाकार के गले में, जिसका नाम है सार्वनिक सेन। सार्वनिक और मैंने काफी एक साथ काम किया है, हिंदी फिल्म गीतों के स्टेज प्रोग्राम्स के क्षेत्र में। हमने हेमंत दा के ऊपर एक प्रोग्राम की श्रृंखला बनाई है जिसका शीर्षक है सुन जा दिल की दास्तां। आज मुझे बहुत खुशी है कि इस नौजवान कलाकार ने बहुत कामयाबी पाई है माशाल्लाह, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं मगर देश विदेश में उनका नाम है, उनकी बातें चलती हैं, उनके गाने सुने जाते हैं और ढेरों फैंस हैं उनके। और मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि इस कलाकार को ऐसे ही भविष्य में भी यूं ही कीर्ति मिलती है, यूं ही गौरव मिलता है, बिल्कुल अपने आइडल हेमंत दा की तरह। लहरों के होठ पे, लहरों के होठ पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होठ पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है, इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले जिंदगी की गीत की धुन बदल के देख ले। उम्मीद अब धड़कनों की जबान दिल की दासी, कोई हवा और शुद्ध हुआ सजावा जुथी बोली, कोई हवा करी शुधुआ सजावा, हाय हाय रे दिन जाय रे भरे आधारे भुवन, काछे जाबो कबे पाबो ओगो तोमार निमंत्रण। एई मेघला दिने एकला घरे थाके ना तुमन, काछे जाबो कबे पाबो ओगो तोमार निमंत्रण। तोमार कोनो बाधन नाई तुमी घर छाड़ा के बेकरार करके हमें यूं न जाए, आपको हमारी कसम लौट आए, बेकरार करके हमें यूं न जाए, आपको हमारी कसम लौट आए।